नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। सिवान की सांसद कविता सिंह के पति जेडीयू नेता अजय सिंह ने अपने पूरे जेडीयू के कार्यकर्ताओं के साथ छठ घाट का निरीक्षण किया। बिल्कुल आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख भी सकते हैं कि कैसे महान पर्व छठ पूजा को लेकर के जेडीयू नेता अजय सिंह, जेडीयू जिलाध्यक्ष चंद्रकेतु सिंह, जेडीयू के नेता संतोष बांसपुर, लाल बाबू शाह और तमाम लोगों की टीम के साथ छठ घाट पर पहुंचे और राम जानकी मंदिर का छठ घाट, शिवव्रत शाह छठ घाट, पुलवा छठ घाट, इन तमाम छठ घाटों का जायजा लिया। हालांकि अजय सिंह ने बातचीत के दौरान मीडिया कर्मियों को बताया कि इस बार की व्यवस्था बहुत अच्छी तरीके से की गई है, यहां तक कि बैरिकेडिंग की भी व्यवस्था हुई है ताकि किसी भी छठ व्रतियों को या फिर उनके परिजनों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। तो आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं कि अजय सिंह तमाम छठ घाटों का जायजा ले रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ। और अजय सिंह ने प्रशासन को भी धन्यवाद दिया, कहा कि बहुत अच्छा और सराहनीय कार्य है, नगर परिषद के द्वारा भी जो साफ सफाई कराई गई है बिल्कुल अच्छी व्यवस्था है। तो आप देख सकते हैं कैसे अजय सिंह जो जेडीयू के नेता हैं, सिवान की सांसद कविता सिंह हैं, उनके पति हैं और ये तमाम अपने कार्यकर्ताओं को लेकर के आज पहुँचे हुए थे छठ घाट का निरीक्षण करने के लिए और इनके साथ मोहन सिंह राजभर भी मौजूद रहे। तो बिल्कुल आप तस्वीरों में साफ तौर पर एक बार फिर से देख सकते हैं कि कैसे जेडीयू नेता अजय सिंह तमाम छठ घाटों का जायजा कर रहे हैं। बताते चले कि 19 तारीख को यानी कि कल महापर्व छठ है और कल से शाम को लोग जाएंगे छठ घाट पर और भगवान भास्कर को अर्घ देंगे और इसी के साथ परसों जो है सुबह में उगते हुए भगवान भास्कर को अर्घ देने के साथ छठ का समापन हो जाएगा। आइए सुनते हैं लोगों ने क्या कहा। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। देखिए, यह जो पर्व है, पहले तो बिहारियों का पर्व कहा जाता था और यहाँ आके साफ सफाई देखने के बाद हृदय प्रफुल्लित हो रहा है, लेकिन आज के दिनों में ये बिहारियों का ये पर्व नहीं है, भारत देश के हर कोने में मनाया जाता है और भारत देश के कोने में ही नहीं, ये सीमा पार भी कर चुका है। आप देखे होइएगा कि अमेरिका, इंग्लैंड, बहुत जगहों पर मनाया, बहुत सारे देशों में मनाया जाता है। और सबसे बड़ी जो खूबी है इस पूजा की, लोग उदाहरण देते हैं कि सभी लोग उगते हुए सूरज को प्रणाम करते हैं, लेकिन बिहार ही एक ऐसा स्टेट हो जो पूरे विश्व को यह संदेश दिया कि सिर्फ उगते हुए सूरज को नहीं, डूबते हुए सूरज को नमस्कार किया जाता है। और एक और जो उदाहरण लोग दिया करते हैं कि सूर्योदय होता है, उसके बाद अस्त होता है, लेकिन यह पर्व यह भी सिखा दिया कि नहीं, जिस जो सूर्यास्त होता है उसका सूर्योदय भी होता है। यह नहीं, अच्छा लग रहा है, सफाई हुआ है और जो थोड़ा बहुत बाकी है जिला प्रशासन, हम सभी मिलकर, सामाजिक कार्यक्रम मिलकर उसको संपन्न कर लिया जाएगा। बहुत अच्छा लग रहा है, लोक आस्था का महा छठ पर्व, व्यवस्था बहुत अच्छा है, व्यवस्था बहुत अच्छा, व्यवस्था बहुत शानदार है, हर साल से अच्छा इस साल है और व्यवस्था आगे भी अच्छा है। कमी तो कुछ नहीं अभी तक, हम तो देख रहे हैं सबसे बढ़िया है, हर साल से अच्छा है, हर साल से अच्छा है। क्या कहना चाहेंगे सर, घाटों का निरीक्षण आज कर रहे हैं? छठ के घाट के निरीक्षण करे आयल बनी सो जनता दल यू परिवार, पूरा जनता दल यू परिवार आयल बा जे ये पुलवा घाट के सर सफाई कैसन बा, का व्यवस्था बा, कोनो कमी तो नहीं रह गई, जब ना के देखे खातिर हमने आयल बनी सो, सब लोग देखता घूम करके। और आज खरना है, खरना के जो बा आज पर्व महत्वपूर्ण, आज दिन भर लोग उपवास रहेला और शाम के खरना करेला और काल के इंतजार करेला, जो डूबता हुआ सूर्य के काल अर्घ दियाई, और खरना के अवसर पर सब छठ व्रती लोग के कमी तो कुछ नहीं है, सफाई है, सब सफाई ठीक ठाक है, इसमें महत्व है सफाई का, और सफाई लोगों ने किया है
अच्छा व्यवस्था है, कोई कमी नहीं दिख रहा। क्या कहेंगे घाट यहाँ पे आए हुए, हालांकि कई घाटों का आपने जायजा लिया भी होगा, इस बार देखा जा रहा है कि कुछ खास व्यवस्था भी की गई है प्रशासन द्वारा, नहीं नहीं सभी लोग कर रहे हैं, सामाजिक संस्था, सरकार, प्रशासन, सभी लोग छठ घाट की सफाई में लगे रहते हैं और लगना भी चाहिए। ये लोक आस्था के महान पर्व है छठ, इसमें एक घंटा एक मिनट भी अगर समय देते हैं सफाई के लिए तो छठी मैया आपकी मनोकामना पूर्ण करेगी। जिला के सब लोग से यही संदेश बा कि छठी मैया के व्रत खूब धूमधाम से मनाई, शांति से मनाई और सबके मनोकामना छठी मैया पूर्ण करें। छठ व्रती आराम से आए, कोई किसी अफवाह में विश्वास न करें और छठी माई के पूजा करें, आपकी मनोकामना छठी माई पूरा करेंगे।